बोलो चमड़ा माता की जय। आपको कैसे पीछे छोड़ दूं मैं थोड़ा सा। मैं रो दूंगा, मेरे से बोला नहीं जाएगा, मजाक नहीं कर रहा मैं। सब ब्लर है यार, कुछ नहीं दिख रहा मुझे। हमारे साथ है भावेश भाई जो बहुत अच्छे आदमी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई एक मिनट बता दे, कोई नहीं बता दे बता दे। गुड मॉर्निंग डे 56 और अभी हमारे साथ है भावेश भाई जो बहुत अच्छे आदमी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई एक मिनट बता दे, कोई नहीं बता दे बता दे। तो ठीक है, अभी हम निकल रहे हैं। एक्चुअली ये बालोतरा से है भाई और इसकी यहाँ पे साइट चलती है, तो इसने बोला कि प्रिंस नेक्स्ट इसी गांव में आ रहा है तो तू मेरे पास आ जा। तो हम साथ में थे और अभी यहाँ से मैं निकलूँगा रेडी होके, मिलते हैं रेडी होने के बाद। भाई मैं यहाँ रुका था अभी और ढाबे पे, ये अजय भाई है अपने, भावेश भाई जो बालोतरा के। कैसे हो अजय भाई, मजा मजा तुम्हें सारू? चलो तो वो है वहाँ भावेश, वो निकल रहा है अपनी साइट पे और इधर ढाबे पे रुक के चाय वाय पी ली, समोसे खाने थे, खाए थे। मन नहीं कर रहा, आगे जाके कुछ खाएंगे अभी, भूख नहीं लगी। वो भाई ने चैनल सब्सक्राइब किया ना भाई आपने, पक्का? चलो जय श्री राम। तो भाई मैं निकल गया, वो पीछे ढाबा दिख रहा होगा आपको, वहां से निकला मैं अभी और अभी जा रहा हूँ आगे। तो यार ये बैग सेट करने में बहुत टाइम लग जाता है सच में, तेज हवा भाई, मेरा ठंडा उड़ गया। अब यार यहाँ पे कोई जगह नहीं है जहाँ मैं बैग रखूँ, कहीं बैग रखने की जगह नहीं है और ऐसे भी बैग रख नहीं सकता यार, देखो कितनी तेज आवाज है। आपको मेरी आवाज भी नहीं आ रही होगी शायद, और कितना भगवान। ये पीछे होटल देख रहे हो मेरे, अब यहाँ पे मैं वापस अपना तिरंगा वॉश करके लगाऊंगा। जय श्री राम भाई। ये एक्चुअली तिरंगा रोड पे गिर गया था मेरा, तो इसको वॉश करना है, कहाँ से करूँ मैं? आगे है, आप बैठो बैठो मुझे बता दो भैया, आप खाना खा रहे हो? बैठो बैठो आप पानी बैठो, पानी नल बता दे, पानी नल क्या जे इधर। हेलो सारू यार, धोना पड़ेगा तिरंगा, धो लेता हूँ यहाँ से मैं। ये भाई ने मेरे को शैम्पू दिया है, इससे वॉश करूँगा अपने। मैंने भैया को बोला कि मेरे को चाय पीनी है, मतलब दूध चाय पीनी जो बच्चे पीते हैं। मैंने भैया को बोला भैया प्लीज़ जैसे मैं बोलूँ वैसे बना दो, तो भैया मान गए। काफ़ी कम ढाबे वाले मानते हैं ये चीज़, क्योंकि जो चाय ढाबे में मिलती है तो वो सेट नहीं होती, पेट के अंदर जाए चलना पड़ता है भैया। तो ये बिना पानी की मतलब दूध चाय दूध पी रहा हूँ मैं, थोड़ा तो पानी है इसके अंदर पहले से डाल के रखते हैं, बट हाँ अभी ऊपर से कुछ नहीं। अब जैसे मैं बनवा रहा हूँ वैसे ही बना। अभी मैं यहाँ पे खाना खा रहा हूँ, खाने में मैंने सेव टमाटर की सब्जी और छाछ और जो मसाला पापड़ था वो मैंने खा लिया। बहुत तेज़ भूख लगी थी यार, सुबह से कुछ खाया नहीं था। अभी फाइनली 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर चलने के बाद मुझे ये होटल दिखा, तो यहाँ पे मैं खा रहा हूँ अभी। ये तो खा लिया पूरा, ये खाना है, रोटी बाद में आएगी और मैं फिर वहाँ जाके सो जाऊँगा। जय सियाराम, जय सियाराम। ठीक है, मैं यहाँ पे सो रहा था, ये भैया ने मुझे जॉब दिख रहे हो, ये भैया ने बोला कि आप यहाँ पे सो जाओ रेस्ट कर लो। तो मेरे को जुकाम था थोड़ा सा, टैबलेट ली और जुकाम के बाद पता है आपको टैबलेट देते नींद आती है, तो हो गई मेरी 1.5 से 2 घंटे की नींद। शाम के 6 बज रहे, अब मैं निकल रहा हूँ, 8 से 9 बजे तक चलेंगे और पहुँच जाएंगे डेस्टिनेशन पे। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर देना चैनल। जरूर जरूर। थैंक यू। मैं जैसे ही बाहर आया मुझे प्यार हो गया,
मौसम से। हाय 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 हाय, सब ब्लर है यार, कुछ नहीं दिख रहा मुझे, बस मैं, ये अंधेरा और ये हाईवे। पहली बार अहमदाबाद से लेके पांचीना गांव तक पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं 8 किलोमीटर कंटिन्यू चला हूँ। मैंने अपना पैर का एक कदम तक नहीं रोका मैंने, कसम से। और हालत आप देख रहे हो, अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ। कंटिन्यू 1 घंटा 50 मिनट, लगभग 2 घंटे। चलो भाई आ गया, देखो आ गया, चले वो आगे वाले है। मैं चाय नहीं यार, तुम रुकना है भाई, बताऊँ कहाँ से चला हूँ मैं, 7 किलोमीटर कंटिन्यू चल के अब रुका हूँ मैं, माँ कसम भाई, झूठ नहीं बोल रहा कसम से। एक कदम तक ऐसे नहीं रोका, जैसे अभी रोका ना, नहीं रोका मैंने सही में। महादेव की कृपा है भाई, आ जा। अभी मैं और ये भाई बैग वहाँ साइड में रख के आए हैं यहाँ पे भवानी होटल पे, फिर चाय वाय पियेंगे कुछ थोड़ी थोड़ी। तू क्या पिएगा सर? चाल से चाय, हमने चाल से चाल मारे भी चाल से। काका चाय आप ही तो ने अहिया बाजू, चलो सारू काका बोल रहे चाय उधर मिलेगी। अभी मैंने लिए यहाँ पे कुछ चॉकलेट्स, तो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, ये मैं उनको देने वाला हूँ, देते हैं, उनकी स्माइल दिखाऊंगा आपको मैं। भाई रेडी वेडी हो गए हम और उधर जाएंगे, तो पहले कुछ सेटअप कर ले अपना थोड़ा सा। कैसे हो दीदी? अभी हो गए रेडी, लाइट आ रही है, अभी बैठा हूँ भाई के घर। सब्जी बता, देसी सब्जी है, ग्वार बड़ी, इसको यहाँ पे भजिया कहते हैं, हमारे यहाँ पकोड़े कहते हैं, मिर्च रोटी, और यहाँ गुड़ ऐसा होता है, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा रेड होता है लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है, कड्डी, कड्डी तो नॉर्मल है, राजस्थान में कड्डी बहुत फेमस है भाई, बहुत चलती है। और ये भाई साथ में बैठा है हमारे, कैसे हो? बढ़िया, मजे में, बढ़िया खाते हैं। અહીંયા છે અને 12,000 કિલોમીટર ની પદયાત્રા કરી અને રહ્યા છે, મહાદેવ ના મોટા ભક્ત છે, તેમનું માતાજી ના માં ચામુંડા માંડવે તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવે છે, બોલો ચામુંડા માતાજી। કેમ છો બધા? મજામાં? મે ભી મજામાં। મેરે કો છોટી સી બાત કરની આપ લોગો સે। ઇશ ભાઈ ઉનકે એક ફ્રેન્ડ હે કુલદીપ જી જો અહેમદાબાદ મે રહેતે હે, ઉનસે મેને ટ્રેનિંગ લી થી ઓર ફિર મેને યે યાત્રા સ્ટાર્ટ કી, તો આપ લોગો કો આશીર્વાદ। સોરી મેરે સે હી બોલ રહા થા, આપ લોગો કા આશીર્વાદ ચાહીએ, ક્યુંકી કહેતા હે ના કે દવા સે બડી દુઆ કામ આતી હે, તો મુજે બસ આપ સભી કા આશીર્વાદ ચાહીએ કી મે યાત્રા કમ્પ્લીટ કરકે આઉં, पूर्ण करके आऊं और फिर वापस आपके सामने एक बार खड़ा हो जाऊं। जय श्री राम। हर मारी बम्बोड़े ने बज दी ना, आज बैठ के मारी बजे, आज बड़ी से ना जेने जेने मारी हाथों जेना पाव से ना મારી વસ્તી
देखो इधर बुआ जी की मसाज हो रही है और हमारे प्रिंस भाई, हमारे प्रिंस भाई फिजियोथेरेपी जिम के बात कर रहे हैं। इसकी जिम ना लगी है। ये हमारे बुआ जी है, इनको माता जी आया और वो थक चुके हैं पूरी तरीके से। देखो और ये हमारे प्रिंस भाई है। तलवार जो आती है ना गुजराती में तलवार, उसको ऐसे ऐसे करते हैं ना। मैं तो समझ राजस्थान में जो ये बोला है इसको बाका जीक बोलते हैं। मतलब दो बगार ना मुझे अभी यहाँ पे हो रही है बालवा की प्रसादी। कल जो आपने प्रोग्राम देखा था अभी उसकी प्रसादी हो रही है। हमारे लोगों में कैसे मिल जुल गए हैं, इसे कहते हैं पुण्य का काम। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यहाँ पे सब बैठे हैं खाना खाने के लिए। कैसे हो भाई सब लोग, मजा में? तमे केम छो? मजा में भाई? तमे मजा में? क्या बोलते हैं गुजराती में, खाड़ो खाओ? अबे उसको कैसे बोलते हैं, खाड़ो खाओ? चलो खावा। छोड़ यार रहने। सू दयु हमारे पास। अरे छोटा छोटा छोटा, अरे इतना नहीं दाता। शुगर पेशेंट आदमी, डायबिटीज, अरे ये भी छोटा आधा करो ना इसका दाता। आधा मैं खिला दूंगा आपको, इधर करो करो, मैं खिला दूंगा, खिलाओ। एक एक इधर 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 भाई आप खाओगे? खालो यार, खालो। हाथ नहीं पहुंचता, आगे आ जाओ ना यार। लो ये लो, बस ये लो। मीठा नहीं खाते, आ जाओ ना यार। मैं सच बताऊं, हमारे राजस्थान में रिवाज है खाना खिलाते हैं ऐसे। अरे आना इधर, तू भी ले आ जा। निजर मैं नहीं खाऊ सच में, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा, मैं खाता नहीं हूँ शुगर ज्यादा। अब खा तू नहीं खाएगा, खा ले। खाएगा खाएगा ना, आप खिला हो तो खाएगा ना, खा ले। आप देते ही नहीं, क्या करेंगे? मेरे को देना है ना, नहीं है कुछ भी। वो मिठाई देने की बात है। अच्छा ओके ठीक है, समझ गया समझ गया। तो तब सेंटेंस कंप्लीट करें ना को। क्या है? वो राजू भैया है। राजू भैया कहाँ? राजू भैया खा रहा हूँ। आजा अंकल, एक सेकंड इधर आओ। आओ आओ भाई ओ पीछे उसको बोला पीछे, इसका नाम कदवा है। आजा भाई, एक कदवा का चाचा। आजा आजा, सबको बराबर खिला रहा हूं। आना भाई, बुआ जी से स्टार्ट किया सारे बच्चों तक, ले
अरे कम कर भाई, कम ही है। शू करे छे डोपा। ये ले भाई, मैं तो पेट नहीं भर दे। हो गया। थैंक यू। मतलब वो चल सबको खिलाया अंकल जी, आपको कैसे पीछे छोड़ दूं मैं थोड़ा सा। आप सभी लोगों को पता है कि मैंने अपना ना तो कभी बर्थडे सेलिब्रेट किया है कभी भी पास्ट में, और ना ही कभी केक काटा है मैंने अपनी लाइफ में। सिर्फ पहली बार ऐसा हो रहा है कि छोटी सी खुशी के पीछे 69K फॉलोवर्स, मतलब 69,000 फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे होने पर, मैं एक गांव के अंदर, उसका नाम है पानशेना, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे देखे मैंने, तो मुझे लगा कि शायद मेरी खुशी में उनके साथ बांट दूँ। तो एक छोटा सा वर्क कर रहा हूँ मैं, वर्क ये है। ये सबको देने जा रहा हूँ, तो जो बच्चे हैं मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। एक बार ही हाथ ऊपर करके हाय कर देना, ठीक है? हाय 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 हाय। आ गए हम? अब दोनों ही आ गए। अच्छा अच्छा। अंडी जी इधर देखो, हेलो करो तुम, हेलो करो, करो हेलो। चिल्लाओ जोर से। नाम सोचे तुम्हें? आपको नाम बोल। चलो कर दिया, चलो सारू छे। पैसों की माला पहना था यहाँ पे, देख रहे हो तुम? नाम फिर जय महादेव, जय हर महादेव, हर हर महादेव। भाव पर वधर फोकस। अब क्या करना है? ठीक कर ले। रख 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 ना, बोलिए। अच्छा ठीक है, ये सबको लेना है। काम आएगा, बैठो बैठो, अगर आएगा। खड़े हो के करो ना, ना ये भाइयों की तरफ से भाई, हमारा प्यार। क्या बात है, चार हजार एक कम, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। यार मैं रो दूंगा, मेरे से बोला नहीं जाएगा, मजाक नहीं कर रहा मैं। थैंक यू। मैं हिंदी में गुजराती में बोला, गुजराती में कैसे कहते हैं? आभार, तुम्हारा खूब खूब आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं नहीं बोल रहा, क्या बोलूं, नहीं समझ में आ रहा। मैं यहाँ पे आया, मुझे 1% भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने घर से दूर हूँ, ये चीज कसम से झूठ नहीं बोल रहा, मुझे 1% भी ऐसा नहीं लगा। इस पूरे गांव को लेके और इस पूरे मोहल्ले को लेके मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने घर से दूर हूँ। ये पहले भी मैं आया एक बार और 2 दिन रुका था, और इस बार भी मैं 2 दिन रुका। ये 4 दिन मेरे लिए इस यात्रा में मेमोरेबल डे रहेंगे, मुझे याद रहेगा। थैंक यू हर महादेव। मैं यहाँ पे आया था एक भाई के फोन पे, इनका कुलदीप भाई नाम, कुलदीप भाई है अहमदाबाद से, वो मुझे ट्रेनिंग देते हैं, और उनके एक फ्रेंड है मीत भाई, महेश भाई मकवाना, वो इस गांव से है। तो ये है मीत भाई, थैंक यू सो मच मीत भाई, ये मुझे मिलने आए थे और फिर हम यहाँ आए, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। अब मैं यहाँ पे जिन जिन जिनको थोड़ा पर्सनल है ना मेरा, मतलब वो समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है? सबसे पहले हमारे बुआ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो तमे, बोलो बोलो, हूँ तो बोल ही दी दो, बोलो बोलो। और ये है मीत का छोटा भाई, ये शायरी बहुत अच्छी करता है,
इंस्टाग्राम पे क्या नाम बता? रिपुन मकवाना। रिपुन मकवाना, आप जाके सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पे, और जो भी वीडियो देख रहा है तो प्लीज जाके फॉलो कर देना, बहुत अच्छी शायरी लिखता है। और उसके बाद इस परिवार में ये तीन बहनें, बड़ी भाई खाना, मतलब सेम टू मेरे घर जैसा, लेकिन हाँ गुजराती टेस्ट था और तीखा भी था और मीठा भी था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं बहुत तारीफ, एक दो डिश तो नहीं थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी। फिर उसके बाद हमारा आते हैं, वहाँ अंकल बैठे हैं। अंकल जी प्रणाम। प्रणाम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत प्यार दिया है मुझे अंकल जी ने और आंटी जी ने, मतलब बेटे की तरह रखा है मुझे। फील नहीं होने दिया कि मैं किसी और जगह से आया हूँ, या फिर मुझे ऐसे भी फील नहीं होने दिया कि मैं यात्रा कर रहा हूँ, मतलब घर जैसे रखा मुझे ऐसे। और फिर आता है हमारे मक्का भाई। ये भावेश भाई का नाम है। हम कुछ रीजन की वजह से इनको ऐसे बुलाते हैं, बाकी इनका नाम भावेश भाई है। सबसे ज्यादा हंसी मजाक इस ग्रुप में करने वाले वो ये भाई है सबसे ज्यादा। और फिर एक ये भाई हमारे पीछे बैठे, नाम नहीं पता, चाचा जी कहते हैं मनसुख मकवाना, मनसुख जी मकवाना। फिर वो भाई कहाँ गए? एक और पीछे हर्षद मकवाना। अच्छा, एक ये रहे हर्षद मकवाना। ये दोनों चाचा हैं जो हमारे में ग्रुप में बड़े हैं, थोड़े थोड़े क्या, बहुत बड़े हैं यार, बड़े बड़े ही होते हैं। और एक हमारे वो भैया पीछे, अनिल भाई और उमंग भाई। उमंग और अनिल एक ही तो है यार लगभग। इन भैया के घर पे भी मैंने खाना खाया था, तो बहुत अच्छा खाना बना था। भिंडी की सब्जी खाई थी भाई, आज भी खाई और उस दिन भी खाई थी। वैसे एक बात बताऊं, टेस्ट दोनों का सेम था। सही में सेम सेम टेस्ट था बिल्कुल। और कहा है भाई, किसको ढूंढ रहा हूँ मैं, एक जन गायब है शायद। हाँ वो भाई गायब है, वीडियोग्राफर कैमरामैन फोकस करो हमारा, वो बंदा गायब है। और ये बच्चे हैं यहाँ पे, ये शक्लें देखो, मैं इनके साथ रहा था, उनमें से एक दो बच्चा तो यहाँ पे है नहीं। वो जो हंसता है वो कालिया नहीं, या सूर्या और वो सूर्या भाई और वो चंदू कालिया। हाँ चंदू जो लपके ज्यादा कर रहा था। तो ये बच्चे भी थे, ये चंदू। हाँ ये जानू भी, उधर दिखाओ गोरिल्ला। मैंने इसका नाम रखे, पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार है बंदा भाई, ऐसे ही पढ़ाई करता रहे ठीक है, और शरीर थोड़ा कम करता रहे साथ साथ, वो जरूरी है, वो जरूरी है। अब सभी लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे मिला, लेकिन एक चीज़ है, ऐसा प्यार मुझे पीछे एक बार मिला था सोनल दीदी के घर पे, और दूसरी बार मुझे यहाँ देखने को मिला है। लगभग 800 किलोमीटर के बीच में ऐसा प्यार मुझे दो बार ही दिखा सिर्फ, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, जय महादेव जय महाकाल। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और इस व्लॉग में जैसे आप लोगों ने देखा, मुझे बहुत प्यार मिला है मकवाना फैमिली की तरफ से, पानसेना गांव के लोगों की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं उनको, पहले भी कर चुका हूँ और अभी जब जब मेरा मन करेगा तब मैं करूँगा। ऐसा ही प्यार बनाए रखना और ब्लॉग्स देखते रहना, और पानसीना गांव के लोगों के लिए स्पेशली ब्लॉग्स लास्ट तक देखना। तुम्हारा भाई कैलाश पर्वत पर झंडा लहरा के आएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। बाकी आप सब लोगों के साथ महादेव का हाथ, जय महादेव जय महाकाल। लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी।